वेलकम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमको अगर किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन। ठीक है, बाइसेक्ट ए लाइन, बाइसेक्ट हमको कैसे करना। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में, बाइसेक्ट ए लाइन दो टुकड़ों में उसको विभाजित करना है। ठीक है, और लाइन पे परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन पे परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दोनों हमको देखना है। ये एनडी भट्ट सर की बुक में चैप्टर 5 में दिया हुआ है, चैप्टर 5 में। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये दो चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है ए और बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसको मैं थिन लाइन से बना रहा हूं, आप इससे आधे से ज्यादा का रेडियस का यहां से आप ले लीजिए, और आधे से ज्यादा रेडियस को आप अपने उस पे खोल लीजिए। किस पे? आपने जब इसका ये आर्क काटा और नीचे पे आर्क काटा, ठीक है, वैसे इधर सेम आर्क, सी सेंटर लिया और है ना, आपने ये आर्क काटा, ठीक है, और यहां से भी आपने लिया और यहां से भी आपने ये सेम सेंटर का आपने आर्क काटा। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे और आप इसको जब ज्वाइन करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं अपन इसको। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारी यहां से यहां तक आ रही है ना, ये लाइन हमारी यहां से यहां तक आ रही है। ठीक है, ये लाइन ए बी है, इस लाइन को हमको इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम आधे से ज्यादा हमारा राउंडर खोलेंगे। ठीक है, राउंडर जब हम पेंसिल फंसा के खोलेंगे, आधे से ज्यादा का लंबा आर्क लेंगे हम, इसको सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क यहाँ कट किया, देखिए इधर है ना, और ये इधर। ठीक है, और फिर इसको सेंटर मानते हुए जब हमने यहाँ आर्क कट किया, ये काटा और ये काटा, आधे से ज्यादा खोलना है, जो भी इसका मिड पॉइंट आपको अंदाजे से दिख रहा है उससे ज्यादा आपको खोलना है। और फिर इस लाइन को जब आप इस पे ड्रॉ करोगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आप मिलाओगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये वाले, ठीक है, सो ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आप मिलाओगे आर्क काट के, तो ये यहां से यहां तक जो लाइन बन रही है, देखिए ये वाली लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। ये 90 डिग्री है ना, तो ये इसके 90 डिग्री होगी। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका लाइन पे सीखा, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन। अब हम देखते हैं अगर हमको किसी आर्क पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ऑलरेडी एक आर्क है हमारे पास, सर्कुलर आर्क ए बी है, ठीक है, इस पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देन अगेन फिर वही मेथड, यहां से आधे से ज्यादा आप लोग ऊपर वही आर्क मार दो, नीचे वही आर्क मार दो, ये वाला फिर सेकंड सेंटर, ये सेंटर C1 था, इसको C2 को चूज कर लो, आधे से जितना इतना इधर जितना अपन खोल लेते उतना ही यहां से खोल के इधर भी आपको मार्क कर देना है। ठीक है, और इसको जब आप यहां से यहां मिलाओगे, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये इसको दो बराबर हिस्सों में भागित कर दिया रहेगा, एक्स और ये एक्स। इसको मैं ब्लैक में भी लिख देता हूँ, जब आप इसको ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को एक लाइन से मिलाओगे है ना, तो ये इस आर्क को यहां से यहां और यहां, ये इसको बराबर हिस्सों में भागित कर दिया रहेगा। ठीक है, इफ दिस विल बी एक्स देन दिस विल ऑल्सो बी एक्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट कर देगा इसको। ठीक है दोस्तों, सो ये हमने देखा कि हमको लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था या लाइन को बाइसेक्ट करना था। बेसिकली इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज बाइसेक्शन ऑफ लाइन, और बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड या बाइसेक्शन ऑफ आर्क, ये हमने किया है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। अब हम तीसरी चीज देख लेते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो परपेंडिकुलर इज डिफरेंट फ्रॉम बाइसेक्शन,
ठीक है। सो हमने अभी जो किया, हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया दोनों पॉइंट में, और हमने इसको बाइसेक्ट भी किया, दो हिस्सों में काटा भी, ठीक है। अब खाली हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की बात हो रही है। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की बात हो रही है, सपोज हमारी एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये लाइन हमारी है ए बी, ठीक है। इस ए बी लाइन में हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस ए बी लाइन में अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये ऊपर में कोई पॉइंट, हमारे कोई परपेंडिकुलर पॉइंट है, हमको एक परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है पी, इस पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस पे अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट से कोई भी दो आर्क इक्वल रेडियस के इधर और इधर काटेंगे अपन, ठीक है। जब हमने इधर इधर काट दिया, सपोज ये हमने किसी पर्टिकुलर लेंथ का काटा, एक स्मॉल लेंथ का काटा, एक्स एक्स लेंथ, ये दोनों बराबर रहेगा दोनों तरफ, अभी बराबर नहीं दिख रहा, मैं इसको बराबर कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी बराबर रहेगा ये दोनों तरफ, तो ये बराबर हो गया दोनों तरफ, कट गया, है ना। अब ये वाले पॉइंट ऑफ सेंटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ सेंटर को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाले पॉइंट ऑफ सेंटर से अब आप क्या करो, इस एक्स से बड़े एक्स का रेडियस लो, इस एक्स से बड़े एक्स का रेडियस लेके ऊपर काटो, ये काटा इधर से काटा तो ये ऐसा काटा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आप मिला दोगे, तो आप देखोगे कि ये पी पे जो हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना था वो ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे पी पे एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी थी, वो 90 डिग्री की लाइन हमने ओपी खींच दी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, देखिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, एक लाइन है ना, ये लाइन ए बी है, ठीक है। इस लाइन पे हमको, इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के दो आर्क काट लेंगे, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्स रेडियस के हमने काटे, इधर एक्स का रेडियस है ना, और इधर एक्स का रेडियस के दो आर्क काट लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स रेडियस था, स्मॉल एक्स था, अब हम कैपिटल एक्स रेडियस ले लेंगे, इस रेडियस को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, बड़ा करेंगे, इसको मैं लाल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, इस ये कैपिटल एक्स रेडियस, इसी पी पॉइंट को सेंटर मानते हुए, है ना, और नहीं, इस इन दोनों को सेंटर मानते हुए, ये दोनों पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस एक्स से बड़ा रेडियस का हम कैपिटल एक्स के दो आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ये और यहां से ये ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास इसके भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, देखिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जो कि यहां से यहां काटा है हमने, यहां से यहां लिया है, ये रेडियस कैपिटल एक्स था, बड़ा एक्स था, इधर भी लिया था तो ये बड़ा एक्स था, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर दिए हम, तो अब आप इसको नापोगे तो ये आएगा 90 डिग्री। सो इस पी पॉइंट पे हमको 90 डिग्री का ड्रॉ करना था, तो वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और तरीका हम देख लेते हैं कि अगर अगर कोई लाइन ए बी है, ठीक है, इफ देर इज सम लाइन ए बी, है ना, और इसमें ये वो पी वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे है, पी वाला पॉइंट यहाँ पे है, और इस पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पी से कहीं पे भी एक सेंटर मार्क कर लेंगे, कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, यहां से इस रेडियस का, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, तो दोस्तों ये सर्कल करीब करीब ऐसा आएगा, ठीक है, ये सर्कल ऐसा है, इस लाइन को मिला दो यहां से यहां तक, इस लाइन को यहां मिला दिया, और इसी को आगे भी एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है, इस लाइन को आपने मिला दिया है ना, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ सी, इसको मैं मान लेता हूँ डी, और इसको मैं मान लेता हूँ ई, ठीक है। तो आपने जब यहां पे सर्कल काटा, तो आपने क्या किया, ये पॉइंट को ये मिला दिया, इसको आगे कर दिया, और यहां से जब आप इस पॉइंट को मिलाओगे, यहां से जब आप इस पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को, तो ये अगेन 90 डिग्री रहेगा दोस्तों, दिस इज 90 डिग्री। तो हमको करना क्या था, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, हमने क्या किया, कोई भी एक अपने मन से कोई सेंटर ले लिया, इस पॉइंट को एक सर्कल ड्रॉ कर दिया,
इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट किया था लाइन में उससे जोड़ दिया, उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहां से इस पी पॉइंट को जोड़ दिया तो 90 डिग्री आएगा। रीजन क्या है कि हमको ये मालूम है कि कोई भी जो सर्कल का रेडियस डाया होता है, डाया वो कभी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक है, ये इसके पीछे में थ्योरम है। तो ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर दिया। अब तीसरा तीसरा एक और तरीका हो सकता है किसी चीज में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। हमारे पास सपोज एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इस लाइन में हमारे को कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे पी, इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। सो उसको हमको ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इस पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर रेडियस ले लिए, उस रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, उस रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जितना रेडियस खोला था उतने ही रेडियस पे, जितना ये रेडियस यहां से यहां तक का था ना, उतने ही रेडियस के दो आर्क यहां पे भी हमने काट दिए, पहला आर्क और ये दूसरा आर्क, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों कटने के बाद क्या करो, अब यही जो पॉइंट था इस पॉइंट को फिर रखो और यहां से उसी रेडियस पे दो आर्क और काट दो। पहला आपने एक रेडियस लिया उससे सर्कल बना दिया, और उसी रेडियस से पहला आर्क काटा, दूसरा आर्क काटा, आपको ये दो सेंटर मिल गए, फिर इस पे रखो और फिर वही आर्क को अपने यहां यहां काट दो। तो अब आपके पास देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, और जब आप इसको मिलाओगे देन अगेन यू विल सी दैट इट इज 90 डिग्री। ये मेरे ड्राइंग में ऐसा बन रहा है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो, देखो मैं इसको सुधार देता हूँ, ये करीब करीब यहां पे आएगा, दोनों आर्क की कटिंग, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। सो ये जो लाइन आपकी आएगी यहां से यहां मिलाने वाली, ये 90 डिग्री आएगी, सो दिस विल बी योर 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। सो हमने इस वीडियो से क्या देखा, हमको लाइन को बाइसेक कैसे करना था, है ना, आर्क को बाइसेक कैसे करना था, आर्क को बाइसेक कैसे करना था, और किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तीनों चारों चीजें हमने देखी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, एंडी भट्ट सर की बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।